हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका टीए व्लॉगिंग में। तो कैसे आप सब, होकर तो सब बढ़िया होंगे यार। तो आज मैं जा रहा हूँ गोकुलपुरी टायर देखना है, क्योंकि 180 से ज़्यादा उन्होंने डलवाना है, 180 डलवाना उन्होंने टायर। वहाँ पे कहते हैं सस्ते मिलते हैं और सेकंड हैंड मिलते हैं टायर, तो अगर सस्ता हुआ तो हम भी सोच विचार कर लेंगे कि हमें भी डलवाना चाहिए, फैट टायर अच्छा लगेगा। बाकी मैं शायद करोल बाग भी जाऊँगा अखिल के साथ, तो जो भी होता रहेगा अनप्लान, अभी कुछ नहीं पता है, क्योंकि आज से लगता है लॉकडाउन भी लग गया है संडे से। तो जाते हैं पहले वहाँ, डिस्कस करते हैं, राहुल भाई की शॉप पे चलते हैं, और वहाँ पे विमल आया हुआ है और अखिल भी आ रखा है और राहुल भाई भी है, तो चलते हैं फटाफट वहाँ पे। अन जाते जाते आपको मोटो ब्लॉग में सब बता दिया जाएगा कि कहाँ कौन सी साइड है और कहाँ जा रहे हैं, कितने का टायर है सब। बाकी पूरी वीडियो में बने रहना, एम लाइक है 20 लाइक प्लस का, बाकी सब्सक्राइब कर देना, बर्थडे से पहले अपने को 10K करने हैं। इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हो जाके, और चलते हैं मोटर ब्लॉग में, सीधा आपको मिलते हैं। तो इनके अभी भसड़ हुई कि मेरे को बाइक चलानी है, राहुल कह रहा है मेरे को चलानी है, तो ये पीछे बैठ नहीं दे रहा। तो हमने ये स्कूटी आज ये इसके चक्कर में 1.5 घंटा फालतू लग गया, 12 बजे के आ रखे हम यहाँ पे, और इसी चक्कर में इसका बटन इग्निशन वाला ख़राब हो गया था, वो ऑलरेडी पहले से ख़राब हुआ पड़ा था थोड़ा बहुत, तो उसके चक्कर में 1.5 घंटा लग गया। तो अब निकल रहे हम यहाँ से, एंड इसको ही पता ये मैप लगा के जा रहा है, ओए मैप लगाने वाला आगे, चलो चलो अब निकलते हैं यार, बहुत टाइम हो गया, पहले पेट्रोल भी भरवाना है यार, चले। तो यार इसमें ना आज मेरे को बता रहे थे कि इसमें ना थोड़ी पावर धीरे देती है, मतलब ड्रॉप हो जाती पावर थोड़ी बहुत जब उठाते हैं अपने बाइक। तो मैं फिर अपने नियर बाय एक जो मैकेनिक अच्छा बाइक होगा जिसको नॉलेज है उसको दिखाया, तो वो बोल रहे हैं कि यार BS4 और BS6 में यही प्रॉब्लम है कि ये वाली बाइक ना थोड़ा पावर बांध लेती है, और ये दिक्कत है, ये इसका सोल्यूशन नहीं है कोई, बाकी बाइक अच्छी है कह रहा। अगर आप में भी होता तो घबराए ना, स्कूटी पे इसके चक्कर में स्कूटी पे जाना पड़ रहा है, हम दो बाइक पे चले जाते। हाँ हाँ ओके ब्रो, रुकाओ साइड में रोको, तो मुझे ले जा रहे हैं। तो भाई कल वाली जो वीडियो है मैंने जस्ट अभी शेड्यूल वगैरह जब वहाँ बैठा था मैंने कर दी है, जो मतलब आज आने वाली है, तो होप करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। भाई साहब एकदम से ब्रेक मार दी उसने, भाई साहब हाँ मतलब कुछ हो जाए तो पूछते हैं कि ब्लॉग हुआ, हाँ मैं कहा हुआ है। तो कभी भी ना यार ऐसे दिक्कत हो सकती है, आगे ध्यान रखना, मेरा ध्यान थोड़ा सा ना ब्लॉग की साइड था, पता नहीं ऐसे मत करना मेरे से जैसे गलती, अगर कभी दिक्कत है भाई ये आगे से दो लड़कियाँ आ रही थी इसलिए उन्होंने ब्रेक मारी, उनकी भी कोई गलती नहीं है। मजा आ रहा चलाने में यार, बहुत दिन बाद इस ऐसी रोड खुली खाली में भगा रहा हूँ। ये देखो यार वाओ, मैं जब कैब से जाता था ना दादाजी को डॉक्टर के पास लेके, तो ऐसे भाई साहब पूरे सब उड़ते थे एक साथ, लेकिन आज वो मज़ा नहीं आया, क्योंकि यार पहले सब उड़ते थे, वो सुंदर भी लगता था, और आपको मैं दिखा भी नहीं पाया, कैमरा बाद में ऑन हुआ है। आई थिंक आज ना सिग्नेचर ब्रिज से जाना है, तो वाह यार मैं पहली बार जा रहा हूँ, मेरे को था थोड़े दिन पहले मैंने सोचा भी था कि यार वहाँ नहीं गया एक बार मैं, वाह वाह पहली बार जा रहे हैं हम यहाँ पे आज, तो यार मैंने भी नहीं देखा था, आप भी देखोगे मैं भी देखूंगा, तो देखो आती बार शायद फोटो रुकेंगे आती बार यहाँ पर, भाई लोग फोटो खिंचवाने आए थे दूर दूर से, देखो मेरे को नहीं पता दूर से आया वहाँ से, लेकिन जो फोटो खिंचवा रहा दूर से ही आया होगा ज़्यादा टाइम, वो देखो यार ये देखो, ये देखो वाह ऊपर तक, ये देखो ये अच्छी लग रही है जगह, वाह यार बहुत अच्छा बना रखा है ये, ओहो देखो भाई साहब बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, मतलब मेरे बहुत पहले से बनता हुआ देख रहा हूँ इसे मैं, और पहली बार आया हूँ आज देख लो बनने के बाद भी, लेकिन अच्छा बना हुआ मैंने पहली बार देखा है, फोटो वगैरह में तो देखा है दूर से भी देखा, बट ये रूट नया था अपने लिए और अच्छी रोड भी थी, मतलब प्लेन वो देखो एक आवाज़ वाला एग्जॉस्ट वाली बाइक गई, ओवर स्पीडिंग नहीं है ये, बहुत अच्छी स्पीड है ये वाली बाइकों के लिए, और सब मेंटेन होकर चला रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि भाई तेज चला रहा है कोई कैसे चला रहा है, इंजॉय करके चला रहे हैं सब,
बोल्ड अभी तक बहुत बड़ा है, मतलब पहले से सही है लेकिन हालत अभी भी खराब है। फाइनली यहाँ पे आ तो गए हैं, बट यहाँ पे टायर दोनों तीनों डिसाइड कर रहे हैं, ये विमल, ये अखिल और राहुल भाई, एंड ये इनको पसंद तो आ गया, फ्रंट वाला भी लेना है, उन्हें बैक का भी लेना है, तो 180 विमल ने लेना है, 180 अखिल ने, और 200 अपना राहुल भाई की आर 310 में। तो मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है यार, क्योंकि ये उतारेगा 160 अपनी बाइक में से, तो शायद वो वाला मैं लगवा लूँ अपने में, तो बाकी कोई मेरा प्लान नहीं है। जैसे मैं आपको बोल के लाया था कि हम भी ले लेंगे, ऐसा कुछ ही प्लान नहीं है अभी, बाकी अपने हेलमेट से तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही है, इसलिए व्लॉग करने का भी मन नहीं था, बट मैं सोचा यार प्रॉपर व्लॉग आपको दिखाना है, डेली व्लॉग्स का क्या फ़ायदा है, फिर थोड़ा बहुत दिखाता रहूँगा तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा व्लॉग्स में। तो ये देखो डिसाइड हुआ पड़ा है, अखिल हटिए एक बारी, ये देखो ये दो 170 वो 120 फ्रंट में लगेगा आगे वाला, तो जो भी है कौन सा ये वाला 180 उसके बीच वाला, अच्छा दो 120 है जो इन्होंने पसंद कर लिया है, और इतने इतने और 180, तो जो भी डिसाइड होगा वो आपको बता देंगे, और रेट जो भी होगा वो भी आपको बता देंगे, और यूएसडी भी लेनी है राहुल भाई, यूएसडी भी लेनी है विमल भाई ने, तो वो भी डिसाइड कर रहे हैं कहाँ कितने की पड़ेगी, या कुछ 112 का बोल रहा है, फुल पूरा सिस्टम जो भी आता है उसके साथ, बाकी देखो क्या सीट बैठते हैं, अभी ये बता रहे हैं कि अभी मंगवा रहे हैं, जिनसे हम टायर ले रहे हैं वो बोल रहे हैं कि USD जिसके पास है उसे मंगवा के वो दिखाएंगे कितने का मिलेगा, बाकी जो भी रेट होगा आपको बता दिया जाएगा। फाइनली हमने टायर ले लिए, मेरा बैटरी डाउन है इसलिए ज़्यादा व्लॉग कर नहीं पा रहा मैं, मज़ा आ रहा है यार चलाने में बाइक, पहले तो तबीयत डाउन थी थोड़ी बहुत जो मैंने आपको बताया, लेकिन बाइक चला रहा हूँ सही है बिल्कुल ओके। एक छोटा सा खड्डा भी ना बहुत मुसीबत में डाल सकता है। विमल और राहुल भाई आगे चले गए पता नहीं, और ट्रैफिक बहुत था इसलिए हम थोड़ा लेट हो गए। सन देखो कितना सुंदर लग रहा है यार, काश ये अच्छा कैमरा क्वालिटी होता तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह इसकी ब्यूटी दिखती, इसमें थोड़ा बहुत डल हो जाता है, कोई बात नहीं अब क्या ही कर सकते हैं, सारा मूड सही हो गया एक बार ही बाइक चलाते ही, अमेजिंग। दोबारा सिगरेट देखो, लुक एट द सन और व्यू देखो, वाओ यार अमेजिंग। ये वही ब्रिज है जहाँ से नीचे लाइटें दिखती हैं, जैसे आपको दिखाया होगा मैंने कई बार। तो हाँ जी गाइस, तो मैंने अभी जस्ट जब वीडियो एडिट करने बैठता तभी मुझे याद आता कि आउटडोर शूट करना है, तो आउटडोर अब शूट कर रहा हूँ आपके सामने, इसी टाइम मुझे याद आता है वैसे तो, बाकी थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी आती बार तो इसलिए मैंने व्लॉग नहीं किया है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार क्योंकि बाइक चलाने में मज़ा आ रहा था बस, और तबीयत भी थोड़ी डाउन थी, लेकिन बाइक चला के जो अच्छा लग रहा था ना, फिर मेरा व्लॉग करने का मन नहीं था, ऊपर से बैटरी नहीं थी कैमरे में, तो इसी चक्कर में मैंने व्लॉग नहीं किया। बाकी टायर का प्राइस मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, और बाकी क्या पता मैं अभी 160 जो विमल भाई के पास है वो भी लगवा लूँ, अगर होगा तो लगवा लेंगे। बाकी आज वाली वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना यार, तो मिलते किसी ऐसी अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।